मध्य रात्रि तक ही करने का विधान है। अवसाद स्वरूप दिन में छोटा या बेर रूपी अनुष्ठान किया जा सकता है, किंतु प्रातः काल में इस यज्ञ को करना पूर्णतया वर्जित है। इस यज्ञ को करने का सर्वोत्तम स्थल क्लब अथवा बार या आहाता नामक पवित्र स्थान होता है। स्थान का चयन करते समय ध्यान दें कि वहां दुष्ट आत्माएं यज्ञ में बाधा न डाल सकें। यज्ञ अकेले ना कर अन्य साधुजनों की संगत में ही करना उचित होता है। अकेले में किए गए यज्ञ से मद्य दोष को प्राप्त होकर शराबी बेवड़ा कहलाता है। प्रसन्न मन से शुभ क्षेत्र में बैठकर साधुजनों की संगत में मधुर संगीत रूपी मंत्रों के साथ शास्त्रोचित रूप से किए गए मदरापान के यज्ञ को करने वाला साधक तुन्नता के असीम आनंद को प्राप्त होता है। इस यज्ञ की एक महत्वपूर्ण बात, मदरापान के समय यज्ञ अग्नि से भी अधिक महत्वपूर्ण जठराग्नि को भी शांत करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में भोज्य पदार्थ जिसे चखना कहा जाता है लेकर बैठना ही उचित है। पनीर, काजू, मूंगफली, नमकीन या अपनी इच्छा अनुसार कोई भी चखना लिया जा सकता है। एक अन्य आवश्यक पदार्थ सिगरेट नामक अग्निदंडिका का भी इस यज्ञ का महत्वपूर्ण अवयव है। जो पुरुष इस अग्निदंडिका का सम्मान नहीं करते वे अग्नि के श्राप को प्राप्त हो अनेक कष्टों को भोगते हैं। मध्य सूत्रम नामक महाकाव्य में इसकी आधुनिक सेवन विधि विस्तार से समझाई गई है, जिसमें सर्वप्रथम खाली गिलास लेकर अपने सीधे हाथ सीधे करते हुए उसमें 30 ml मदरा डालें, फिर अपनी स्वेच्छा अनुसार सोडा या कोल्ड ड्रिंक का मिश्रण करें, फिर अंत में बर्फ के एक दो टुकड़े डालें। इसे एक पैक की उपाधि दी गई है। अब उपस्थित साधकों की संख्या के बराबर ऐसे ही पैक तैयार करें व सब में वितरित करें। इसके बाद एक उंगली गिलास में डालकर बाहर एक दो बूंद छिड़कें। तत्पश्चात सभी भगतजन अपने गिलास में लेकर एक दूसरे के गिलास से हल्के से छुएं और चीयर्स नामक मंत्र का उच्चारण स्वर उद्घोष करें। ध्यान रहे, यदि इस मंत्र का उद्घोष नहीं हुआ तो आपका पुण्य असंभव है। जो दो पैक लगावे चिंता मुक्त हो जावे, मैया चिंता मुक्त हो जावे, पूरी पी के बोतल, पूरी पी के बोतल चैन से सो जावे। बोलो जय दारू माता, तुम बिन पाटी अधूरी, सुने सब त्योहार मैया, सुने सब त्योहार, सकल जगत में तेरी, सकल जगत में तेरी होती